Today we are going to study chapter number 1, Matter in Our Surrounding. This is from class 9. Now, we are going to study about matter. So, what is matter? Matter is that substance which has a mass or volume and can be sensed by any sense organ. किसी भी sense organ से महसूस किया जा सके उसे कहा जाता है matter. अब ये matter जो भी चीज़ें surrounding में, जो भी universe में है, सारे कुछ matter से बने हुए हैं. जो भी चीज़ें जैसे हम लोग सांस लेते हैं air, तो air is matter. पानी पीते हैं, पानी भी matter है. खाना खाते हैं, खाना भी matter है. जो sky जो है sky में चांद तारे देखते हैं वो भी matter है. अगल बगल plant देखते हैं वो भी matter है. तो everything is made up of matter. Everything is matter. अब इन ये जो है वो volume उनके पास होगा, ये इनके पास जो है मास होगा. तो मास किसको कहेंगे? स्पेस को कहेंगे. मास किसको कहेंगे? वेट को कहेंगे. तो वेट हमेशा किस में मेज़र किया जाता है? केजी में. तो ऐसा यूनिट जो मास का होगा केजी होगा. और वॉल्यूम किसको कहेंगे? तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा जो ऑक्युपाई करते हैं स्पेस. तो कोई भी चीज़ों कोई भी चीज़ अगर लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, वो सर्टेन स्पेस ऑक्युपाई करता है. तो दैट इज़ वॉल्यूम. तो ये जो वॉल्यूम है उसको उसका ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर. अब कुछ इंडियन फिलोसोफर जिन्होंने अपनी थिंकिंग पे अपनी बात रखी कि उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें हैं, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ये 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं. और मैटर जो है ये 5 बेसिक एलिमेंट के का ही रूप है. तो यहाँ पे जो पंच तत्व कहा गया है इनको, जिसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर ये आया. और ग्रीक फिलोसोफर ने भी इनको सपोर्ट किया. ग्रीक फिलोसोफर ने भी इनको सपोर्ट किया कि हाँ मैट. और उन्होंने जो है सिमिलर क्लासिफिकेशन, मैटर के सिमिलर क्लासिफिकेशन दिए. अब जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होगा वो बेस्ड होगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे और केमिकल नेचर पे डिपेंड करेगा. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करेगा. तो ये थे कुछ जो है मैटर के बारे में जो पहले जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं अभी तक. अब क्या है ये मैटर, क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या इसका केमिकल एस्पेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है क्या? तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में दो चीज़ें आएंगी. मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और मैटर के ये जो पार्टिकल हैं बहुत ही छोटे हैं. तो मैटर कुछ लोग ये बिलीव करते थे कि ये कंटिन्यूस सीट है, एक ब्लॉक जैसे वुड का ब्लॉक होता है ना, तो वो उस तरह का है. और कुछ लोग बिलीव करते नहीं, ये पार्टिकल से बना हुआ है. तो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कंक्लूज़न आया और उसके आधार पे ये बोला गया कि मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है. अब इसको प्रूव करने इसके लिए एक एक्टिविटी है आपको समझाने के लिए. तो ये एक्टिविटी जो है हम डेली लाइफ में भी करते हैं. जैसे नमक को हमने पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद उसको मिला दिया. मिलाने के बाद अब देखेंगे, या चीनी को, कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस हो, तो देखेंगे क्या उसका लेवल इंक्रीज होगा. या नमक डालने से या चीनी डालने से पानी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हम पाएंगे कि इंक्रीज नहीं होता है. तो आखिर क्या है ये क्यों नहीं इंक्रीज होता है? तो ये जो ये इंक्रीज इसीलिए नहीं होता है कि हम जब ग्लास में हमने क्या लिया, ग्लास में हमने पानी लिया और ये पानी जो है किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है. और ये पार्टिकल जो है ये पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे स्पेस वाली बात को. लेकिन मुझे इससे यही पता लगाना है, इससे यही समझाना है कि इसके बीच में जो इस ये जो है मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है. तो ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है. और ये जो नमक है या चीनी है उसके बीच में चला जाता है. तो चला जाता है तो फिर लेवल कैसे इंक्रीज, उसी बीच में चला जाता है स्पेस में. तो इट मीन्स व्हाट कि ये जो बने हुए पार्टिकल से बने हुए हैं. और अगर ये कंटिन्यूस सीट होते तो क्या होता कि चीनी डालते तो क्या होगा, लेवल इंक्रीज हो जाता.
लेकिन लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये अंदर चले जा रहे हैं, इसका लेवल इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो ये पार्टिकल से बने हुए हैं। अब दूसरी बात ये कही गई कि ये पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, तो इसके लिए 2-3 पोटेशियम 2-3 क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट का लिया गया बहुत कम मात्रा में, और उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया। अब 100 ml वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो है ये सॉल्यूशन बन गया जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है। फिर क्या किया कि 10 ml इसमें से निकाला गया, और 10 ml निकाल के एक क्लियर वाटर लिया गया 90 ml, ये सॉल्यूशन कितना था 100 ml, अब ये 90 ml पानी लिया गया और उसमें से ये 10 ml डाल दिया गया, तो टोटल जो इसका जो मात्रा जो हो जाएगा 100 ml हो जाएगा, 90 ये और 10 ये, तो कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। फिर क्या किया गया, फिर सेकेंड बार में भी ये जो सॉल्यूशन बना फिर इसमें से 10 ml ले लिया गया, फिर इसको 90 ml, ये जो प्रोसेस था उसको बार बार 5-8 times रिपीट किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जो लास्ट वाला जो सबसे लास्ट में जो सॉल्यूशन मिला उसमें भी कुछ जो थे पिंक कलर नज़र आए। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पोटेशियम, अगर पोटेशियम परमैंगनेट हम लेते हैं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक तरह का मैटर है, और ये जो मैटर है ये पार्टिकल से बना हुआ है, और जैसे ही हम डालते हैं इस सॉल्यूशन में तो पार्टिकल ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है पार्टिकल। अब अगर हम इसमें दूसरे में डालते हैं तो क्या होगा, ये जो है ये कलर ये कलरफुल हो जाएगा, कलरफुल, और 5-8 times करने के बाद भी इसका कलर रहेगा ही, इसका कलर रहेगा। इट मीन्स क्या, इट मीन्स जो है ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो थोड़ी मात्रा में हमने लिया और ये जो पार्टिकल इसमें से डिवाइड होते चले गए और बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो गए। तो अब इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो मैटर है पार्टिकल से बना हुआ, और ये पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटे हैं, तभी हम 5-8 times करने के बाद भी उसका कलर नज़र आया, तो ये इससे प्रूफ होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्टिकल जो है मैटर का उसके बीच में स्पेस है। तो जैसा हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखा, तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्यों जो है शुगर या सॉल्ट पानी में अगर मिलाने से क्यों नहीं लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो सॉल्ट और शुगर है वो किसके बीच में चला जा रहा है, ये चला जाता है स्पेस के बीच में, ये चला जाता है मैटर के बीच में जो जगह है उसमें जाके घुस रहा है, तो इसीलिए ये जो है इसीलिए इसका लेवल नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस है, तो एक बात ये प्रूफ हो गई। अब दूसरी बात जो है वो मैटर के जो पार्टिकल होंगे मैटर के जो पार्टिकल होंगे वो मूव कर रहे हैं। अब उसके लिए भी उसको भी समझाने के लिए 2-3 एक्टिविटी है जिसको आप इजीली कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग इजीली कर सकते हैं, तो एक तो सबसे इजी जो जब हम लोग जो इंसेंस स्टिक चलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या होगा कि उसका जो स्मेल है, उसका जो परफ्यूम है, उसका जो उस ऑडर है, ये हमें कहीं भी थोड़ी दूर अगर बैठे हैं तब भी हमको जो है क्या हो जाता है, हम उसको महसूस कर लेते हैं। तो इट मीन्स क्या कि ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑर्डर वाला जो पार्टिकल है, ये भी तो मैटर है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, तो ये मूवमेंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक ग्लास लिए और उसमें इंक डाल दिए, उसको घोलना वोलना कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, इंक जो है अपने आप जो है पूरी कुछ देर के बाद क्या होगा कि पूरी तरह मिल जाएगा। हनी भी लिया गया है, अब हनी जो है धीरे धीरे वो मिलेगा क्योंकि उसका थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी होता है, तो थोड़ा सा जो है धीरे धीरे
मिलेगा, लेकिन इंक और जो भी कलर अगर डालते हैं स्लोली धीरे से डालेंगे तो, और उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी वो मिल जाता है क्योंकि वो मूव कर रहा है। अगर वो नहीं मूव करता तो जैसे इंक डालते वहीं पे वो रह जाता, लेकिन वो क्या खुद से वो घुल रहा है, कुछ खुद से वो मिल रहा है। इट मीन्स दीज पार्टिकल आर मूविंग, और ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इट मीन्स पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं क्योंकि सारे कुछ तो मैटर हैं। उसके बाद जो है थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है या पोटेशियम पर मैग्नेट ले सकते हैं, और ग्लास ऑफ वाटर, हॉट वाटर लेना है, कोल्ड वाटर लेना है। अब हॉट वाटर में देखेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे और कोल्ड वाटर में किस में जल्दी मिलेगा, तो पार्टिकल तो मिलेगा दोनों में, लेकिन जो हॉट वाटर वाला होगा उसमें जल्दी मिल जाता है। आखिर क्यों ऐसा होगा, लेट्स सी दैट। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी है उनके पास, उनके पास है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी उनके पास, होगी काइनेटिक। दो तरह के एनर्जी होते, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, कोई भी चीज़ अगर रुका हुआ है तो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कोई भी चीज़ मूव कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये जैसे ही जिसके वजह से मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है तो उसके वजह से ये मूव कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज़ आपने देखा होगा कि नमक जो है घोलने से, स्टायर का यूज़ करके अगर हम घोलते हैं, या नमक जो है गर्म, जैसे पानी गर्म होता है डालते हैं तो जल्दी जो है डिसॉल्व होता है गर्म पानी में, क्योंकि जो हीट की जो एनर्जी है वो उसको सप्लाई हो रही है और उसको घोलने में उसको जो है उसके मूवमेंट को तेज़ कर रहा है, उसको घोलने में और भी अच्छे से मदद कर रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का जो होगा वो बढ़ जाएगा, और जिससे जिससे क्या हो जाएगा, जिससे ये पार्टिकल अच्छी तरह से इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इंक डाला और बैठ गए, हमने तो गर्म पानी लिया उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला और बैठ गए, तो हमने तो कुछ नहीं किया। पार्टिकल का अपना टेंडेंसी है मिक्स कर रहा है, तो ये जो मिक्स करने का जो टेंडेंसी है, ये जो खुद से मिक्स कर रहा है पार्टिकल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। ये प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न कहेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम लोग, डिफ्यूज़न कहेंगे। तो ये जो है जैसे ही हीटिंग करते हैं, जब जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं, गर्म पानी में क्या होगा, जल्दी से डिफ्यूज़न का जो रेट होगा वो बढ़ जाएगा, तो इसीलिए पार्टिकल जो है अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल जो है अट्रैक्ट करते हैं, मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैसे हम लोग देखेंगे, इस बात को कैसे समझेंगे, तो चलिए एक एक्टिविटी है, चार ग्रुप बोला गया है बनाने के लिए। फर्स्ट ग्रुप कैसे होल्ड करेगा, बिल्कुल इस तरह से, ये डांसर्स हैं जो अपने हाथ को इंटरलॉक कर दिए हैं कि एक का हाथ जो है दूसरे के पीछे में चला गया है, फिर दूसरा का हाथ पीछे में इंटरलॉक हो गया, एक दूसरे से पूरी तरह क्लोजली पैक्ड हो गए हैं इस केस में। दूसरा जो क्या करना है, केवल हाथ जो है पकड़ना है, दूसरा जो ह्यूमन चेन बनाना है हाथ पकड़ना है। उसके बाद जो है तीसरा जो बनाना है चेन, उसमें फिंगर से टच करना है, ओके। अब फोर्थ ग्रुप का स्टूडेंट को उसके चारों ओर दौड़ेगा, उस वो जो चेन है, ह्यूमन चेन है, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो सबसे ईजीएस्ट कौन होगा, कौन सा ग्रुप को तोड़ना ईजीएस्ट होगा, तो थर्ड वाला, जो फिंगर से टच करके हुआ है, जिसमें जितना अट्रैक्टिव फोर्स, जितना कम जो है फोर्स से जो है होल्ड किया है उतना इजी होगा उसको। तो आदि मिसमी डांस वाला जो ग्रुप रहेगा उसमें तो उसको तोड़ना और भी मुश्किल, उसके बाद थोड़ा हैंड जो होल्ड किया है उसमें थोड़ा सा मुश्किल, और थोड़ा सा हल्का सा, और ये बहुत इजी होगा, तुरंत हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये हो गए एक एक्टिविटी। उसके बाद जो है उसी तरह जो है पार्टिकल, अब इसको हम पार्टिकल के पे लेके जाते हैं, कि पार्टिकल मैटर ऑफ पार्टिकल पे लेके जाते हैं, कंसीडर करते हैं पार्टिकल,
ओके, तो किस केस में ज़्यादा मुश्किल होगा किसी चीज़ को तोड़ना? तो जो फर्स्ट जो केस था, पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों के बीच में, तो उस पार्टिकल को तोड़ना बहुत ही इजी होगा। अब हम लोगों को लेना है तीन चीज़, यहाँ पे नेल, आयरन नेल लेना है, आयरन का जो कील लेना है, उसके बाद चॉक लेना है, और उसके बाद रबर बैंड लेना है। और तीनों को क्या करना है, तीनों को हम लोगों को ब्रेक करना है हैमरिंग से, कटिंग से, स्ट्रेचिंग से। तो अब ये किस सब्सटेंस को तोड़ने में ज़्यादा हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये देखना है। तो आप समझ ही सकते हैं आयरन नेल को तोड़ने में बहुत ही मुश्किल होगा। फिर अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक्टिविटी, और भी एक एक्टिविटी है, पानी का कंटेनर लीजिए, पानी से भरा हुआ कंटेनर, और उसको फिंगर से काटने की कोशिश कीजिए। पानी से भरा हुआ कंटेनर लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग हाथ से जो उंगली है उससे काटने की काटेंगे उसके सरफेस को। लेकिन क्या करेंगे, जैसे ही हम हाथ ऐसे चलाएंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, जैसे हाथ मेरा फिंगर जो आगे मूव करेगा तो पीछे वाला जो है ज्वाइंट थोड़ी देर के लिए, जैसे हाथ ऐसे करेंगे तो वो अलग जैसे लगेगा, लेकिन वो फिर से ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फिर से ज्वाइन करें, इस इट मीन्स वॉट कि इनकी, इन मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स है, तभी वो इजीली जो है टूट नहीं रहे हैं, और ये फोर्स जो है उनको एक बना के रखा हुआ है, एक जैसा बना के रखा हुआ है, पार्टिकल को एक इकट्ठे रखने में मदद कर रहा है ये फोर्स। तो और ये वेरीज करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स वेरीज करेगा मैटर टू एक मैटर से दूसरे मैटर में, ये जो होगा वेरीज वेरी करेगा, एक जैसे नहीं होंगे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि फिजिकल नेचर हमने पढ़ा, फिजिकल नेचर में दो चीज़ पढ़ा कि मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए हैं, और ये पार्टिकल जो छोटे हैं, दो चीज़ हमने पढ़ा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक जो पार्टिकल का पढ़ा, पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक हमने पढ़ा कि उसके बीच में स्पेस होगा, पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा कि पार्टिकल जो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होंगे। और तीसरी बातें हमने पढ़ी कि ये जो पार्टिकल जो होंगे वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अब हम इस आधार पर जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, उसके आधार पर क्या होगा कि इसको थ्री डिफरेंट टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। ऐसे तो फाइव टाइप है, जो कि दो टाइप हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थ्री डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज़ सॉलिड स्टेट। अब इसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना है, पेन, बुक, उसके बाद नेडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, उसके बाद सभी को क्या करना है कि पेपर पे रखना है और उनका बाउंड्री बनाना है। पेपर पे रख के हम लोग जो है पेपर पे रखेंगे और उसको पेन से फिर उसका बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं। कभी हम लोगों को ड्राइंग करना होता है सर्कल का, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंगल्स लेते हैं, चूड़ी लेते हैं, और चूड़ी के किनारे में हम लोग जो है ड्राइंग करते हैं और उस सर्कल बन जाता है। तो उसी तरह हम लोग लेंगे, बारी बारी से सभी सामान लेंगे और सबका बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, स्केच करेंगे। अब इसमें अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या सभी जो भी चीज़ें हमने ली, क्या सबका डेफिनेट शेप है, शेप चेंज नहीं कर सकता है, उनका बाउंड्री सेम फिक्स है, बाउंड्री उन और वॉल्यूम फिक्स है, तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम उसको पीटेंगे, उसको नीचे गिराएंगे, ये सब करेंगे। अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजिंग की कैपेसिटी है कि नहीं इसमें, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्रेस करके उसको दबा के देखेंगे कि क्या ये दब जाते हैं। तो अब ये सब ऑब्जर्वेशन के बाद हमको एक चीज़ हमको मिलेगा कि ये सारे एग्जाम्पल जो हैं सॉलिड के हैं, और सॉलिड जनरली जो होता है उनका फिक्स मास होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, जो कभी भी चेंज नहीं करता। और सॉलिड को अगर हम कहीं भी रखें तो उसका मास जो है, उसका वॉल्यूम जो है, वो चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो और क्या होगा, हम उसको दबा नहीं सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन है ये अलग बात है, उसको दबा नहीं सकते हैं। और इनका शेप जो होगा, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब इनका शेप चेंज नहीं होता है, ये है। और
ये सॉलिड टूटते भी हैं, जब फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे टूटेंगे भी, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है इनके शेप को चेंज करना। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टी है सॉलिड की, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे मैंने कहा कि कंप्रेशन नहीं होता है, लेकिन आप स्पंज को लो, स्पंज का एग्जांपल लो, स्पंज तो इस कंप्रेस हो जाता है, तो फिर क्या होगा, क्या गलत होगा? नहीं, स्पंज में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो जो स्पंज होता है उसके बीच में होल होता है, और ये होल में एयर होता है, और जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाता है। फिर रबर बैंड को मैंने कहा कि जो है इसका फिक्स शेप होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता फोर्स अप्लाई करके। बट आप देखो जब हम लोग इसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, इसका तो शेप चेंज हो गया। बट यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मैं जवाब दे रही हूँ। यहाँ पे जो बात हो रही है, जो शेप जो होगा, ये शेप जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो इसका वापस शेप हो जाता है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तभी थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन वापस फिर से ये वापस अपने शेप में आ जाएगा। फिर दूसरी बात जो होता है कि शुगर और सॉल्ट, जिसको हम लोग जो है क्या मानते हैं, हम लोग इसको जो है सॉलिड मानते हैं, जब हम इसको किसी भी जार में रखेंगे, चाहे वो सर्कुलर जार हो, सिलिंड्रिकल जार हो, स्क्वायर शेप जार हो, तो वो उसका शेप ले लेता है। तो क्या इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है? तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसका शेप इतना छोटा कर दिया गया है, और उस शेप को अगर आप हाथ में उठाते हो तो उसका शेप तो फिक्स है, बट ड्यू टू स्मॉल साइज, और उसके वजह से क्या हो गया, ये जो है किसी भी बॉटल में जो है किसी भी डब्बे में आ जाता है, उसका शेप जो है उसका शेप नहीं लेता है, बट वो किसी में भी हम लोग उसको रख सकते हैं। अब जैसे अब स्पंज का बताए, उसमें क्या होता है, होल होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कंप्रेस करते हैं, तो उसमें से एयर सारा निकल जाता है, एयर निकल जाता है तो हमको लगता है कि उसका शेप चेंज हो जाए उसको कंप्रेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्टिविटी है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो है लिक्विड लेना है, जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी लिक्विड हमें लेना है, और डिफरेंट शेप का कंटेनर लेना है, और उसमें सब में 50 ml मार्क करना है। अब क्या करना है हम लोगों को, ये लिक्विड को जो है अगर ज़मीन पे डाल देते तो क्या होता है कि वो फैल जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, 50 ml जो है मेजर करना है लिक्विड को, और कोई भी लिक्विड को, और डिफरेंट कंटेनर में डालना है। तो आप देखोगे कि डिफरेंट कंटेनर में सबका जो शेप है अलग अलग हो गया है, बट सभी में 50 ml ही है, जो 50 ml मार्क किया गया है वही 50 ml तक ही आ रहा है। तो 50 ml क्या है, वॉल्यूम। 50 ml जो है वॉल्यूम का यूनिट था जो मैंने पहले डिस्कस किया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डेफिनेट। बट जो डिफरेंट कंटेनर में डिफरेंट जो है इसका शेप चेंज हो रहा है, तो शेप जो है उसका डेफिनेट नहीं है, बट वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट है। तो अब नेक्स्ट जो इसके बारे में हम लोग इस एक्टिविटी से कंक्लूजन निकाले कि इसका वॉल्यूम जो जो है फिक्स है, लेकिन शेप इसका फिक्स नहीं है, ये हमेशा कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब तीसरी बात हमने जो एक्टिविटी में देखा, एबव एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो लिक्विड में जो भी सब्सटेंस हम डाल रहे थे वो मिल रहा है, जैसे जो पानी में अगर नमक डालते हैं तो क्या होता है, मिल जाता है, तो ये घुल जाता है, तो ये घुलने का टेंडेंसी को क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी इसमें होती है, और ये डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी होगी, और इसी के वजह से गैसेस भी इसमें आराम से, जैसे जो भी एक्वेटिक एनिमल है क्यों जिंदा है, क्योंकि उसमें गैसेस मिले हुए होते हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है, तभी रिस्पिरेशन होता है। तो अगर ये नहीं मिले रहते, और ये जो मिलते हैं, ये जो एटमोसफेयर से आते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, इसमें खुद ब खुद मिलते हैं, कोई खड़ा नहीं रहता उसको घोलने के लिए। तो ये जो डिफ्यूज़न की टेंडेंसी होती है ये होगी इसमें, इसमें सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे, और गैसेस भी मिलेंगे, और इसीलिए हमने देखा कि पार्टिकल के बीच में स्पेस भी है, मूव भी कर रहे हैं ये पार्टिकल, क्योंकि जो है इनमें टेंडेंसी
डिफ्यूज़न होता है और मूवमेंट है, इसीलिए ये क्या है, फ्लूइड है। लिक्विड और गैसेस जो फ्लो करते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो ये क्या है, फ्लूइड, ये जो है फ्लूइड है। और रेट ऑफ डिफ्यूज़न हमेशा लिक्विड का ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। कंपेयर टू सॉलिड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, गैसेस स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये गैसियस स्टेट के लिए फिर से एक एक्टिविटी है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बलून्स जो सेलर होते हैं वो जो है उसमें गैस का यूज़ करते हैं फिलिंग ऑफ बलून्स के लिए। तो आप ये इंक्वायर करना है, ये पूछना है उनसे कि अगर हो तो, पॉसिबल हो तो, कि एक सिलेंडर से कितने बलून जो है फिलअप कर पाते हैं। तो ये है। अब मेन एक्टिविटी जो आपको जो करना है, 100 ml सिरिंज लेना है और उनके जो नोजल्स हैं, नोजल्स कहने का ये सिरिंज है, और उस नोजल्स को जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देना है रबर कॉक से, जिससे कि वो जो है बंद हो जाए। अब सबका पिस्टन निकाल देना है, सारे का पिस्टन, तीन जो है सिरिंज लेना है, सबका पिस्टन निकाल देना है और उसके अंदर एक को ऐसे ही छोड़ देना है, दूसरे जो सिरिंज है उसके अंदर जो है आपको लिक्विड भर देना है। दूसरे के अंदर क्या भर देना है, लिक्विड, और तीसरे के अंदर जो है सॉलिड का यूज़ करना है, सॉलिड दैट इज़ चॉक का यूज़ करना है। और लिक्विड मीन्स वाटर, तो एक को खाली छोड़ना है, दूसरे को क्या करना है, पानी डालना है, पानी उसमें थोड़ा सा भर देना है और तीसरे को जो है तीसरे में चॉक डाल देना है। तो ये हमें कर देना है और उसके बाद पिस्टन में थोड़ा वैसलीन लगा ताकि वो अच्छे से मूव कर पाए मूवमेंट के लिए, और फिर पिस्टन को वापस उसमें सिरिंज में डाल देना है। अब देखना कि जो है कौन अच्छे से जो है प्रेस हो पाता है, कौन सा कंटेंट जो है कंप्रेस हो पाता है। सिरिंज पिस्टन को क्या करेंगे, हम पिस्टन को मूव करेंगे और मूवमेंट के बाद देखेंगे कि कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ विद बाय द पुशिंग द पिस्टन, पिस्टन को पुश करेंगे जिससे कि वो कितना कंप्रेस हो सकता है। तो अब ये हम लोग देखेंगे, अब इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन के बाद ये मिलेगा जो खाली था, खाली मींस जो एम्प्टी था सिरिंज। तो एम्प्टी मींस व्हाट, एम्प्टी अब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, उसमें क्या है, एयर है। ओके, तो एयर वाला सिरिंज जो है वो बहुत इजीली जो है वो जो है मूव कर पाएगा, पिस्टन उसका जो है, जो पिस्टन जो है आराम से मूवमेंट शो कर पाएगा, आराम से हम उधर मूव कर सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड वाला जो होगा थोड़ा सा हल्का सा मूव करेगा, लेकिन सॉलिड वाला जो है बहुत ही मुश्किल मूव ही नहीं करेगा। तो जो गैसेस होते हैं, ये जो एक्टिविटी है इसे हमने प्रूव किया, जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इसीलिए जनरली जो गैसेस पाए जाते हैं वो लिक्विफाइड स्टेज में होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये कंप्रेस होके क्या बन जाते हैं, कंप्रेस होके लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। उनको जो है पहले गैस यहाँ 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 होंगे, दूर दूर में होंगे, लेकिन जब कंप्रेस करने के बाद क्या होगा कि गैस जो है इतने ही वॉल्यूम में आ पाते हैं। तो ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया बहुत कम हो जाता है। कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कम होने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। पहले इतने दूर थे, अब इतने पास हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या हो गया, वो लिक्विड स्टेट में आ गए। तो तीन स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड का जो पार्टिकल होगा बिल्कुल इस तरह होगा, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होगा, और लिक्विड का पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इस तरह का होगा, और गैसेस का पार्टिकल बहुत दूर दूर होगा। तो इस तरह जो है, तो दूर दूर है तो स्पेस है, तो स्पेस है तो उसको, उस मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सॉलिड का तो कोई स्पेस ही नहीं है, सॉलिड का जो है हम कंप्रेस करना भी चाहे तो, क्योंकि स्पेस नहीं है तो जिसके वजह से हम लोग उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन लिक्विड का जो है थोड़ा स्पेस है तो इसीलिए हम लोग उसको जो है प्रेशर डाल सकते हैं, फोर्स डाल सकते हैं ताकि ये बिल्कुल
क्लोज आ जाए, तो क्लोज आएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। अब दूसरा जो गैस जो है, गैस अगर ज़्यादा क्लोज आ जाता है तो कौन सा स्टेट हो जाता है, वो हो जाता है लिक्विड स्टेट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट हो जाता है। तो ये कैसा गैस हो गया, गैस जो हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, गैस जो है क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और जिसका यूज़ हम लोग कुकिंग में करते हैं। और ये जो है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल में जो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी बहुत ज़्यादा गैस को एक छोटे से वॉल्यूम में उसको जो है डाल दिया, क्योंकि उसके उनके बीच में स्पेस होता है, उनका पॉसिबिलिटी होता है क्लोज होने का, उनका पॉसिबिलिटी क्या होगा, स्पेस होगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो पास आ सकते हैं। लेकिन सॉलिड के केस में क्या होगा, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि सारे पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए कंप्रेस नहीं किया जाता। तो गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा कम, और जो जो सॉलिड है उसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है इस तरह होता है। तो उसी तरह इसी तरह क्या होगा कि कंप्रेस होने की वजह से ये इजीली सिलेंडर में ये फिलअप हो जाते हैं, भरे जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन इजीली होता है। उसके बाद हम डिफ्यूज़न की बात करते हैं। डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न में जो है उसमें इंटरमिक्सिंग होगा, तो ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो जो कुकिंग होती है, तो कुकिंग का जो अगर कोई ऐसा कुकिंग कोई भी फूड का स्मेल जो है, अगर हम दूर भी रहते हैं तो वो पहुंच जाता है, क्योंकि वो जो स्मेल का जो मॉलिक्यूल है वो किसके साथ आ रहा है, एयर के साथ आ रहा है। तो एयर के साथ आ रहा है, और फूड का जो एरोमा जो है वो क्या है, एक तरह का एरोमा जो है वो एयर के पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है और मिक्स हो जाता है और वो जल्दी पहुंच जाता है। तो ये जो एयर के साथ मिक्सिंग है, एयर में जो मिक्सिंग है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जल्दी हो जाती है, क्योंकि एयर में बहुत ज़्यादा स्पेस है। अब स्पेस है तभी मूवमेंट होगा, स्पेस होगा तभी जो है मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तभी इंटरमिक्सिंग होगा। तो जितना ज़्यादा स्पेस उतना ज़्यादा मूवमेंट। सपोज़ बिल्कुल इस तरह का एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई डांसर है और उसके चारों ओर चीज़ें जो है एकदम क्लोजली पैक्ड, डांस क्लोज एरिया में बिल्कुल क्लोज है, तो वो अच्छे से फ्रीली क्या डांस नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं शो कर पाएगा अच्छे से। लेकिन थोड़ा स्पेस मिला तो मूवमेंट शो कर पाया, ज़्यादा स्पेस मिला तो ज़्यादा ही मूवमेंट शो करेगा। उसी तरह होता है इसका गैसेस का प्रॉपर्टी। तो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़न का प्रॉपर्टी होता है, बहुत ज़्यादा ये डिफ्यूज़ करते हैं पार्टिकल, बहुत ज़्यादा ये मूव करते हैं, और मूवमेंट के दौरान क्या होता है, ये दीवार से टकराते हैं, वॉल से टकराते हैं। जैसे ये एयर बलून है, तो एयर बलून का जो ये जो हो गया बाउंड्री हो गया, तो जैसे मूव करेंगे तो क्या करेंगे, टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो जो है प्रेशर एग्जर्ट होता है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ प्रेशर। तो ये फोर्स एग्जर्ट करेंगे, मूवमेंट से क्या हो जाएगा, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो ये जो है तीन स्टेट है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्लोजली पैक्ड है, इसमें थोड़ा सा स्पेस है, और इसमें बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, और मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इसमें शोर हो रहा है, इसमें थोड़ा सा शोर हो रहा है, तो डिफ्यूज़न का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इसमें होगा। अब हम आगे जो है पढ़ेंगे क्या मैटर जो है मैटर का स्टेट चेंज कर सकता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू।